हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्रमोशंस, आपने प्रमोशंस के बारे में जानकारी की। तो आज की क्लास आपकी बीएससी सेकंड ईयर की, कब तक है आपका प्रमोशन, आपको इस बोर्ड पर दिख रहा होगा इस प्रकार से जो प्रमोशंस होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोशन ये आपका यहाँ बना हुआ है। तो इसके बारे में स्टडी कैसे कराएंगे वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो जो प्रमोशन होते हैं इस प्रकार का जो कॉम्प्लीट प्रमोशन है, जिसको हिंदी में ग्रेजुएशन बोलते हैं, इस प्रकार से है। तो बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक प्रकार की मेमोरी अंदर को पहुँच गई है, यानी कि फंस गई है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक सेगमेंट इस तरफ और एक सेगमेंट यहाँ पे, यानी एक मीन से जो क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पेलिकल। जो पेलिकल का मतलब ये होता है, आप ये देख रहे हैं कि जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है, क्रोमेटिड के ऊपर मेम्ब्रेन आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, जिसका नाम होता है पेलिकल। ये पेलिकल इस क्रोमेटिड की रक्षा करती है, ये मतलब ये क्रोमेटिड काम करती है, जिससे ये क्रोमेटिड है वो कैसे रहेंगे, वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें इसके अंदर एक पदार्थ भरा है, इसको बोलते हैं जेली सदृश मटेरियल, पदार्थ बोलेंगे इसको, बोलते हैं मैट्रिक्स, जो इसमें डला रहता है, पड़ा रहता है। आप देख रहे हैं इस प्रकार की जो आप धारी देख रहे हैं, इस प्रकार की ये धारियां हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की धारी देख रहे हैं, या जो स्ट्रैंड है, इनका नाम होता है क्रोमेटिड। इसका मतलब ये होता है कि हमें इसमें क्रोमेटिड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, दो क्रोमेटिड है। यही क्या करके क्या बन जाएंगे, यही क्या करके डीएनए बन जाएंगे, इस प्रकार से ये क्रोमोसोम बनेगा, तो इसे क्रोमेटिड बोलेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं एक वाला एक खंड आपका ये, एक खंड आपका ये, यानी कि दो सेगमेंट है, दो सेगमेंट के बीच में एक आपका जो बॉन्ड दिख रहा है, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे ये देख रहा है, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर बीच में होता है, मतलब सेंटर में क्रोमोसोम के बीच में जो पांच बिंदु होता है उसको सेंट्रोमियर कहेंगे। तो ये क्या करता है, ये दोनों खंडों को जोड़ने का काम करता है बीच में। अगर यहाँ से ये टूट जाएगा, ये टूट गया तो ये दो सेगमेंट बन गए, तो क्या होगा, यहाँ से एक नया क्रोमोसोम बनेगा और यहाँ से एक नया बन जाएगा, तो क्या हो गए, इसमें क्या हो गए, एक से दो, दो से चार आपके बन जाएंगे। इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाती है। आपने देखा कि दो सेगमेंट के चार सेगमेंट बन गए, यानी कि गुणसूत्र बन चुके हैं। इस प्रकार से इसको सेंट्रोमियर बोलेंगे। और यहाँ और भी बनाते हैं जिसका नाम होता है काइनेटोकोर, इसको काइनेटोकोर भी बोलेंगे, या बोलेंगे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन। तो ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन का भी काम करता है। अब देखना ये है कि दोनों जो सेगमेंट हैं इनको कौन जोड़ के रखता है, जिसका नाम होता है स्पेंडल फाइबर्स। जो फाइबर्स होते हैं, जो आप रेखा देख रहे हैं, ये धारी देख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करने का काम करते हैं। अगर लूज भी हो जाता है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ये इससे स्पेंडल फाइबर से टंगा रहता है, ठीक है ना। बात समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं आगे की ओर। ये देख रहे हैं ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन है, ये यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, यहाँ से भी चीज कर सकता है, डिवाइड हो जाएगा। जो डिवाइड हो जाएगा तो ये जो फंड बनेंगे, सेगमेंट बनेंगे। अब देख रहे हैं ऊपर लिखा है सैटेलाइट, ये गोल आकृति संरचना देख रहे हैं, ये घुंडी जैसे आकृति संरचना देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो ये कब बनता है, ये क्रोमोसोम के अंत वाले छोर पर, लास्ट वाले एंड पर बनता है। ये जब बनेगा, जब ये गुणसूत्र ये क्रोमोसोम पूरा हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बन जाएगा, तब जाकर के सैटेलाइट बनेगा। इसका मतलब ये होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट है, इसमें कोई कमी नहीं है, यानी कि फुल आपका जो क्रोमोसोम्स है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे क्रोमोसोम को बोलेंगे सेट, ऐसे टी। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो आकार है पूर्ण रूप से बन चुका है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके बारे में जो हमने बताया, आपको मालूम हो गया होगा कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से आपको बनाना है, इस बारे में लिखना है आपको, मीन्स इसमें जो भी नाम है यही जो भाग हो जाएंगे, नाम देख रहे हैं पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, हेडिंग डालेंगे आप लोग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम,
हो गया, ठीक है ना। तो जो भी नाम मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, इस प्रकार से आपको स्टडी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।